तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या दिया है, हाउ डिड द नाजी परसिक्यूट द ज्यूज। तो नाजी के जो लोग थे, जो हिटलर थे, उन्होंने ज्यूज को कैसे पनिश किया। परसिक्यूट मतलब हो जाएगा पनिश करना, या फिर हार्शली ट्रीट करना भी आप बोल सकते हो। तो कैसे नाजी के लोगों ने ज्यूज को पनिश किया, ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखो, द ज्यूज वर परसिक्यूट बाय द नाजी इन अ सिस्टमैटिक वे। तो एक सिस्टमैटिक वे होता था जिसमें जो है ज्यूज को परसिक्यूट किया जाता था, पनिश किया जाता था। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, ज्यूज वर क्लासिफाइड एज अनडिजायरेबल्स एंड मेड टू लिव इन अ सेपरेट मार्क एरिया कॉल्ड गेटोस। तो देखो, ज्यूज को क्या बोला जाता था, अनडिजायरेबल्स, मतलब कि वो हमारे समाज में नहीं रह सकते, उन्हें हमारे समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है, ये उन्हें बोला जाता था अनडिजायरेबल्स। उसके बाद एंड मेड टू लिव इन अ सेपरेट मार्क एरिया कॉल्ड गेटोस। तो उन्हें क्या किया जाता था, बोला जाता था कि तुम हमारा जो एरिया है उधर नहीं रह सकते, अब तुम कोई और एरिया में जाके रहो, ये जो एरिया है उसको छोड़ के तुम कोई और एरिया में जाके रहो। और जो एरिया में जाके वो रहते थे उनको बोला जाता था गेटोस, तो उन्हें गेटोस में डाल दिया गया था। उसके बाद देखते हैं सेकेंड पॉइंट, ज्यूज पीपल वेर डिनाइड टू राइट टू बी जर्मन सिटीजन। तो देखो, जो ज्यूज के पीपल थे, अब ज्यूज के जो लोग थे, उन्हें अब जर्मन सिटीजन होने से भी हटा दिया गया था। जर्मनी में रहते हुए भी उन्हें जर्मन सिटीजन होने से हटा दिया गया था। उसके बाद देखते हैं थर्ड क्या दिया है हमें, ज्यूज चिल्ड्रंस वेर डिनाइड एजुकेशन एंड बैन फ्रॉम स्कूल्स। तो देखो, अब जो ज्यूज के बच्चे थे, ज्यूज के जो छोटे छोटे बच्चे थे, उन्हें भी क्या किया गया था, एजुकेशन, बचपन में तो एजुकेशन मिलनी चाहिए, लेकिन क्या किया गया था इन लोगों ने, ज्यूज के जो पीपल हैं, मतलब बच्चे हैं, जो काले लोग हैं, या फिर बोल सकते हैं जो नॉर्डिक जर्मन आर्यंस को छोड़ के जो लोग हैं, वो जो चिल्ड्रेंस हैं, उन्हें क्या किया गया था, एजुकेशन नहीं दिया जा रहा था और उन्हें स्कूल से भी बैन कर दिया गया था, उन्हें स्कूल से भी निकाल दिया गया था। उसके बाद देखते हैं फोर्थ पॉइंट, दे वेर ऑफन परसिक्यूट थ्रू पीरियडिक ऑर्गेनाइजेशन वायलेंस एंड एक्सपल्शन फ्रॉम द लैंड। तो देखो, उन्हें क्या किया जाता था, अब उन्हें देखो बहुत मारा पीटा जाता था, और क्या किया जाता था, देख लो, एक्सपल्शन फ्रॉम द लैंड, तो उनको जो उनकी जो लैंड्स है वो भी छीन ली जाती थी। उसके बाद ज्यूज प्रॉपर्टीज वेर वैंडलाइज एंड लूटेड। तो जो ज्यूज की प्रॉपर्टी रहती थी, देखो, जो बहुत सारे ज्यूज तो बिजनेस भी करते थे, तो उनकी जो भी प्रॉपर्टी रहती थी वो क्या किया जाता था, लूट लिए जाते थे, और जो भी उनका जो घर सब है उन्हें क्या किया जाता था, तोड़ फोड़ दिया जाता था। वैंडलाइज मतलब होता है तोड़ फोड़ करना। उसके बाद हाउसेज अटैक, तो जो उनको हाउसेज रहते थे उन्हें उनके ऊपर भी अटैक कर लिया जाता था, जो भी सामान मिलता था वो लूट लेते थे और उसके बाद अपने पास रख लेते थे और बाकी सबको ख़राब कर देते या फिर तोड़ फोड़ कर देते थे। सिनेगोस बर्न एंड मैन अरेस्टेड। मतलब देखो, सिनेगोस क्या होता है, सिनेगोस होता है, देखो, जैसे हम लोग मंदिर पे क्या करने जाते हैं, हम लोग मन्नत मांगने जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें जो करने जाते हैं, प्रेयर करने जाते हैं मंदिर पे, वैसे ही इधर देखो सिनेगोग होते थे, जहाँ ये जो ज्यूज लोग हैं वहाँ जाते थे। ज्यूज सिनेगोग को मंदिर मानते थे, जो मंदिर रहता था, जैसे हम लोग भगवान का मंदिर मानते हैं, वैसे सिनेगोग उनका मंदिर था। तो जो मंदिर था उनको भी क्या किया गया था, जला दिया गया, जो मंदिर था उसे भी जला दिया गया था, और उसी के साथ साथ जो मेंस थे उन्हें अरेस्ट कर लिया गया था, अगर कोई वो वायलेंस करते थे तो। तो अगर मैं आपको इसका पिक दिखाता हूँ, तो देखते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे इसकी पिक। देखो, जो भी हमने पढ़ा, देखो क्या हुआ करता था, जो ज्यूज के प्रॉपर्टीज हैं, देखो आप देख सकते हो कि ब्लैक एंड वाइट फोटो में देखो, ज्यूज के प्रॉपर्टी को तोड़ फोड़ दिया जाता था, उसके बाद सब लूट लिया जाता था। और उसके बाद देखो लास्ट पॉइंट हमें देखना है, Jews were brought to death factory and gas chambers in gas chamber. तो देखो उन्हें क्या किया जाता था, उन्हें तो पहले क्या किया जाता था, अब लास्ट में सब चीज़ होने के बाद जो Jews हैं उन्हें क्या किया जाता था, death factory में लाया जाता था और उधर जाके gas chambers में छोड़ दिया जाता था और उधर गैस चला दी जाती थी। तो उससे क्या होता था, एकदम poisonous गैस होती थी जिसकी वजह से वो सूंघ के उन लोग मर जाते थे। तो आप देख सकते हो, ये देखो, ये जो आप पिक देख रहे हो ये वाला, तो देखो इसमें देख सकते हो कि चप्पल का इतना बड़ा ढेर पड़ा है। तो देखो, जो लोगों का क्या किया जाता था, गैस फैक्ट्री में, गैस चैम्बर्स में लेके जाया जाता था, वो मर जाते थे, फिर उनके जो चप्पल्स कपड़े बचते हैं उन्हें क्या किया जाता था, उधर एकदम फेंक दिया जाता था। तो यही थे हमारे क्वेश्चन नंबर 7। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।